चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। नमस्कार, मैं संदीप यादव, पोर्शन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, ये क्या होती है। और इससे पहले हम लोग बात किए थे एनर्जी आइगन वैल्यू, ये सब देखे थे वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है इनसाइड द बॉक्स, और आउटसाइड द बॉक्स वहाँ पर इनफाइनाइट होता है। ये सब हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, इसे जो भी जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, मोमेंटम की कितनी होगी, एनर्जी की कितनी होगी, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो जैसे जो लास्ट में हम लोग बात किए थे जो वन डायमेंशनल बॉक्स था, तो जैसे x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू k, तो इनसाइड द बॉक्स क्या था कि जो पोटेंशियल v की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन हमको मिलता है कुछ ना कुछ वेव फंक्शन जरूर मिलता है इनसाइड द बॉक्स, ये मतलब जीरो के इक्वल नहीं होता। और आउटसाइड द बॉक्स क्या होता है, जो v की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है और साई इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि साई इसलिए जीरो होता है जब ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो पार्टिकल होगा वो इनसाइड द बॉक्स है, मतलब ये जो वॉल है बाउंड्री वॉल इसके अंदर ही है, इसी में कहीं है, तो चाहे यहाँ पर हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो इस वॉल से बाहर नहीं जा सकता। जब पार्टिकल वॉल से बाहर नहीं होगा उस केस में क्या होगा, जब कोई पार्टिकल बाहर नहीं होगा तो उस समय क्या होगा कि कोई भी मैटर वेव जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल तो है नहीं। तो इस कंडीशन में जो हमको वेव फंक्शन मिलता है वो जीरो मिलता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो वी की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो ये सब तो उसके लिए था। और इस बॉक्स की जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी है, ये ए है, ये जो है इस बॉक्स की टोटल लेंथ है, और ये कैसा है, वन डी बॉक्स है, वन डायमेंशनल, मतलब केवल इसमें जो भी पार्टिकल जो इसका जो मूवमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स डायरेक्शन के लिए दिया गया है, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली ये मूव करेंगे पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर, और वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये जो बॉक्स है x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू a, इसका ये जो सेंटर होगा ये क्या होगा, a बाई टू होगा, इधर ले लेंगे इसका सेंटर हो जाएगा a बाई फोर, ऐसे है। तो यहाँ पर बात करें, अगर मान लीजिए इस रीजन के लिए बात करें कि पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर पाए जाने की कितनी होगी, और अगर मान लीजिए इधर पूछ रहा है तो इधर इधर कितनी होगी पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो इस इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, जो भी पार्टिकल उसकी जो पोजीशन होगी कि यहाँ पर होगा इसके बीच में कितना होगा, कितना चांस है, और यहाँ पर अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर कितना चांस है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है कि एक एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, उन्होंने कोई पेपर दिया, मान लीजिए 20 मार्क्स का कोई पेपर हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने अलग अलग मतलब मार्क्स ऑब्टेन किए, जैसे मान लीजिए किसी ने एक्स वन किसी ने एक्स टू, ऐसे ऐसे मतलब मान लीजिए तीन स्टूडेंट है, इन्होंने इस टाइप में नंबर उनको मिले 20 में से किसी को एक्स वन एक्स टू ऐसे मान लीजिए, या कोई नंबर मान लीजिए, मान लीजिए किसी को 8 मिले, किसी को 17 मिल गए, किसी को 15 मिल गया। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गई एवरेज वैल्यू। और उसमें फिर देखा जाता है कि क्या अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें कि जो स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए एक को जो पहला स्टूडेंट है और एक दूसरा और तीसरा, ये जो स्टूडेंट हैं एक को मिल रहा है 8 मार्क्स, एक को 17 और एक को 15 ये मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप क्लास के अंदर जैसे एंटर किए, तो अब आपको तो ये नहीं पता कि इन तीनों में से किसको कितना मार्क्स दिया गया है, आपने किसी एक को खड़ा किया, अब किसी ने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो एक बच्चा जिसके 8 मार्क्स आए हैं, तो P1 तो
जो स्टूडेंट होगा P1, मतलब जो पहला जो स्टूडेंट है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी यहाँ पर 8 रखेंगे क्योंकि जो 8 मार्क्स का है ना, कि मतलब जिसको 8 मार्क्स मिले हैं तो इसको क्या करेंगे कि 8 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं, तो 8/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पाए जाने की, ऐसी किसी की इतनी होगी। तो यहाँ पर देखी जाती है कि प्रोबेबिलिटी और एवरेज वैल्यू का एक तरीके से कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है वही होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में अगर देखें, अगर उसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में कुछ मतलब जो भी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, काफी शोर मचा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई क्लास है और इसमें कई सारे बच्चे हैं, तो इसमें और एक क्लास खाली है, तो इस क्लास में क्या हो रहा है कि कई बच्चे मतलब शोर मचा रहे हैं, कोई खड़ा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पढ़ भी रहा है। तो कोई एक टीचर आया और उसने देखा कि मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो खड़े हैं, और जिस टीचर को मान लीजिए इसमें क्लास है, पीरियड है, वो उस मतलब क्लास नहीं ले रहा, वो कहीं पर बैठा है, तो वो जो टीचर है वो गया बोला कि आपकी क्लास में काफ़ी शोर हो रहा है और जिसमें 5 बच्चे लगभग खड़े हैं। तो अब जब उस टीचर को लगा कि जब 5 बच्चे खड़े, वो आया क्लास में और जैसे उसने एंटर किया तो सभी स्टूडेंट खड़े हो गए। तो जब सभी स्टूडेंट खड़े हो गए और जो 5 स्टूडेंट जो पहले से खड़े थे वो तो अब उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया ना कि कौन बच्चा पहले, 5 बच्चे कौन से खड़े थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन मतलब निकालते हैं उसकी क्या एवरेज है कि मतलब वो 5 स्टूडेंट खड़े होंगे, इस टाइप में हम लोग देख सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई आप बॉटल ले लीजिए, अगर मान लीजिए 3 बॉटल है और इन तीनों में क्वांटम पार्टिकल है, और जो पार्टिकल है ये किसी सेम स्टेट में है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है। अब मैं कहूँ कि इस जो पार्टिकल है इनकी पोजीशन की हम लोग को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी। अगर आप क्लासिकली देखें, क्योंकि सेम स्टेट में है, तो कहेंगे कि जो इसकी होगी वही उसकी भी है या इसकी भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ऐसा नहीं होता है। एक हम लोग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर है, ठीक, और किसी की यहाँ पर है, क्योंकि पोजीशन मान लीजिए वैसे देखा जाए तो सेम है क्योंकि सेम स्टेट में है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर इनको अगर वो निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा कि एक हमको कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी, तो वो ये जैसे मान लीजिए कोई x हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिली, तो हो सकता है इस बॉक्स 1 में जो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसको अगर दूसरे के एग्जांपल से समझे, मान लीजिए क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, वहाँ पर आपने पेन को बांट दिया, ठीक, मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं, उनको आपने पेन को डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी स्टूडेंट को आपने 2-2 पेन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उस केस में अगर हम लोग एवरेज वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन अब क्या किया कि आप पेन रखे और चले गए बाहर, तो सभी स्टूडेंट अपने मर्जी से लेने लगे, किसी ने 4 पेन लिया, किसी ने 3 लिया, किसी ने 10 ले लिया, और किसी को 1 मिली, किसी को 0 मिली। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिकली वही सेम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली वो मान लीजिए 5 आई, अब कोई स्टूडेंट को किसी को तो 10 मिली है, किसी को 1 मिला है, किसी को 4 मिली है, तो इससे एक कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 5, मतलब लगभग हर एक स्टूडेंट को 5 पेन मिला है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ को कम भी मिली है, किसी को ज़्यादा भी मिली है। तो ये सब हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, अगर इसको अगर डिफाइन किया जाए क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑपरेटर ए है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होता है कि इफ़
इज एन ऑपरेटर, ए कोई हमारा ऑपरेटर है। अब इस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी उसके बारे में देखना है। इफ ए इज एन ऑपरेटर देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू यहां पर इस टाइप में डिफाइन है। अब इसको क्या पढ़ते हैं, ये होता है ब्रास साइन और ये क्या होता है इतना केट साइन। जब हम लोग डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जैसे उसमें आपने देखा था कि क्या लिखे थे, ये यहाँ पर ब्रैकेट है और इसको बीच में से कट कर दिया, ये मतलब जो इस टाइप में लिखा गया उसको क्या पढ़ेंगे ब्रा वाला, और यदि ऐसे में है तो इसको क्या पढ़ेंगे केट। अब मान लीजिए यहाँ पर जो जनरली होता क्या है, जो हमको वेव फंक्शन मिला रहता है इसे कोई एक वेव फंक्शन साई है, मान लीजिए साई इक्वल टू है एक ए एक और आई के एक्स है, ठीक। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आई है आयोटा और साई स्टार क्या होगा ए एक और माइनस आई के एक्स होगा। तो साई स्टार को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ब्रा साई से, ये हो गया ब्रा साई। और केट साई क्या होता है, जो जनरली जो नॉर्मल जो साई है इसको दिखाते हैं केट साई। केट साई मतलब ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्रा साई और ये होता है केट साई। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए है इसे मान लीजिए ऐसे कर दीजिए और इसके बीच में जो लिखा जाएगा ऑपरेटर इसकी उसी के हम लोग क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स रख दिए तो ये पोजीशन के लिए बता रहा है, तो इसमें क्या होता है, तो ए जो है जो यहाँ पर एक्स है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एक सिंबल है इसी तरीके से दिखाया जाता है। और इसको कैसे होता है, यह इक्वल टू होता है, ये होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए साई बीटा, यह होल वॉल्यूम के लिए दिया गया है। तो यहां पर साई स्टार क्या है, जो भी हमको वेव फंक्शन दिया रहेगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ए जो हमारा ऑपरेटर है और साई क्या है वेव फंक्शन। और यहाँ पर अगर वन डी बॉक्स के लिए बात करें तो यहाँ पर डीएक्स हो जाएगा। तो और देखिए अगर लिमिट दी गई है मान लीजिए जीरो से ए के बीच में तो ठीक है, अगर होल स्पेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो ये तो रहा इसका मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन मोमेंटम और हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर जो यूज होता है उसकी हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह सकते हैं क्या ये प्रोबेबिलिटी है जो कि एवरेज वैल्यू के लिए दोनों का कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। इसमें देखें क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इनटू वन डायमेंशनल
इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स एक कोई पार्टिकल है जो कन्फाइन किया जाता है, एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। द पोटेंशियल इज गिवन एज, यह पोटेंशियल किस तरीके से दिया गया है, Vx इक्वल टू यहाँ जीरो कब, जब x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन a, और ये इंफिनिटी है कब अदरवाइज केस के लिए। हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मतलब पीएस पोजीशन यस एंड हैमिल्टोनियन। एट द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ द वेव फंक्शन, ये दिया गया है कि ये कोई वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, उसमें क्या क्या कहा गया है कि हमको फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी और पोजीशन उसकी कितनी होगी, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, और ग्राउंड स्टेट के लिए बात की गई। ग्राउंड स्टेट के लिए मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे, यदि ग्राउंड स्टेट के लिए कैसा वेव फंक्शन हमको मिला था, उसका ग्राफ इस टाइप में, यहाँ x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू a है, जहाँ n इक्वल टू वन होता है। ये ध्यान रखना है कि जब भी ग्राउंड स्टेट के लिए बात की जाएगी वहाँ पर n इक्वल टू वन रखना है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात होगी तो वहाँ पर n इक्वल टू टू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू थ्री, क्योंकि बार बार ये कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि n की जगह जब हम लोग 1 रखते हैं तो उसको क्या समझ लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जबकि ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 रखते हैं और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2, ऐसे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ग्राउंड स्टेट के लिए बात की गई है, मतलब जो हमको वेव फंक्शन मिलेगा वो ग्राउंड स्टेट के लिए मिलेगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन पे जाए अब हमको वेव फंक्शन कैसा मिलेगा, साई इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये जनरल फॉर्मूला है। अब जबकि बात हो रही है ग्राउंड स्टेट के लिए तो वहां पर n की जगह पर क्या रखेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो हमको वेव फंक्शन क्या मिल जाएगा, कह सकते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। जो वेव फंक्शन हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, अंडर रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। ये रहा वेव फंक्शन। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, फिर पोजीशन की, फिर हैमिल्टोनियन की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम के लिए इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। क्योंकि ये वन डायमेंशनल बॉक्स है तो यहाँ पर इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वी, वो कितना होता है, जीरो होता है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करें एक्सपेक्ट नाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या होता है, ये रहा सिंबल। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ये सिंबल यूज होता है, ये इक्वल टू हो जाएगा साइन, यहां पर पी एक्स, ये सिंबल ये होता है ब्रा साइन और ये होता है कैट साइन। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a, क्योंकि हमको अभी दिया था ना कि जो v जो था वो वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा था, सॉरी जो x जो वैरी कर रहा था वो 0 से a, तो यहाँ पर इसलिए 0 से a जो लिमिट यूज होगी वो 0 से a हो जाएगा साई स्टार, यहाँ पर पी एक्स लिख लेते हैं और साई इंटू डी टाउ। तो क्योंकि यहाँ पर 1D के लिए बॉक्स जो 1D बॉक्स है इसलिए यहाँ पर dx यूज कर लेते हैं। ये हो गया। अब हमको ये पता है साइन कितना है, अंडर रूट 2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन ए, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, यही सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर नहीं है, आयोटा यहाँ पर कहीं है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, कह सकते हैं साई स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a साई स्टार की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाई a, 2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू पी एक्स है, तो यहाँ पे पी एक्स लिखते हैं अंडर रूट 2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब हमको ये पता होना चाहिए ये पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए, तो उसमें देखे थे जो पी एक्स जो मोमेंटम जो ऑपरेटर जो यूज हुआ था वो कितना था, -i h क्रॉस del अपॉन del x इसका यूज किया गया था। तो इस पी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -i h क्रॉस del अपॉन del x। तो फिर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमको वेव फंक्शन कितना दिया गया, साई इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये हमको वेव फंक्शन मिला है। तो यहाँ पर जब हम लोग पी एक्स की जगह पर उसको पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट 2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन ए, और पी एक्स की जगह पर जो मोमेंटम जो ऑपरेटर यूज हुआ तो वहां पर क्या रखेंगे, -i h क्रॉस del अपॉन del x, क्या जाएगा -i h क्रॉस del अपॉन del x अंडर रूट 2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अंडर 2 बाई a बाहर रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी है, तो 2 बाई a बाहर हो जाएगा और -i h भी बाहर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बाई a और यहाँ पर ये -i h क्रॉस भी बाहर ही आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a, इधर हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ए डेल अपॉन डेल एक्स साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब क्या करें कि इसको क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 बाई a
माइनस आई एच क्रॉस इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो साइन पाई एक्स अपॉन ए, साइन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन ए और पाई बाई ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पाई बाई ए को मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा पाई अपॉन ए, इधर हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको अंदर रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इधर हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ए, इधर हो जाएगा 2 साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब इसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो साइन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस होने की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं आई एच क्रॉस पाई अपॉन ए स्क्वायर, और इसका जो डिफरेंस जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस में होगा इसलिए यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव कर दिया है। इधर हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू ए अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो ए अपॉन 2 पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ए अपॉन 2 पाई, और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से ए के बीच। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इस यहाँ से ए के सी और कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर कितना मिला आई एच क्रॉस अपॉन 2 ए, और अब ये लिमिट रखिए। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 पाई ए अपॉन ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रख देते हैं कॉस 2 पाई ए अपॉन ए माइनस, जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस 0, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू आई एच क्रॉस अपॉन 2 ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन के लिए, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। तो वहां पर भी वेव फंक्शन को क्या रहेगा, वही रहेगा जो साई इक्वल टू कितना रहेगा, अंडर रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, यही रहेगा। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन के लिए, नाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ यस, जो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, जहां पर साई इक्वल टू क्या था, हमने अभी देखा था साई इक्वल टू था अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, यही था हमको वेव फंक्शन कितना दिया गया था, अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए बात हो रही है। अब हमको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ब्रास आई, यहां पर एक्स और ये कैट साई,
ये हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट 2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a इंटू x होगा यस, और फिर वही जो हमको वेव फंक्शन दिया गया है साई इक्वल टू क्या जाएगा अंडर 2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a इंटू dx। यह बस अब इसी को क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, तो 2 बाई ए क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2 अपॉन ए इधर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू एक्स साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको क्या करें साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए को क्या करें कॉस 2 थीटा वाले फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए यहाँ जाएगा एक्स 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए और पूरे के नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 2 को मैं इधर बाहर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा इंटू यहाँ पर डी एक्स होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा कितना 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी एक्स अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसको अगर देखें तो अगर इसको अलग से करते हैं वैसे इसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आएगी, क्योंकि कॉस का हो जाएगा साइन और साइन जब लिमिट रखेंगे तो साइन 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको चाहे आप कर भी सकते हैं, अगर इसको अलग से कर दें यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन है 0 से ए एक्स कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो अगर पहले इसी कर लेते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का जब कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए और ए अपॉन 2 पाई इधर आ जाएगा और लिमिट क्या होगी 0 से ए के बीच, और माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहां पर होता है फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और फिर इसी कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए का वही इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए। तो अगर ये वाला जो हमने ये जो इंटीग्रेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं अगर ये वैल्यू 0 आएगी तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर लिमिट आप रखेंगे तो एक्स ए अपॉन 2 और ये साइन 2 पाई ए अपॉन ए साइन 2 पाई ए अपॉन ए माइनस साइन 2 पाई अपॉन ए इंटू 0, तो ये जो वैल्यू आएगी साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 0, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं 0, इतनी जगह 0 हो जाएगा, चाहे आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो x cos 2 पाई x अपॉन a, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा, और देख सकते हैं ये क्योंकि ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन होने की वजह से इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 हो जाएगा। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा अलग से हम लोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमको फंक्शन दिया है fx कोई एक फंक्शन है, कब fx ऑड फंक्शन होगा कब इवन,
अगर यस को, अगर हम लोग जब यस को रिप्लेस करते हैं माइनस यस से, यदि यस यहाँ पर माइनस यस है और ये वैल्यू अगर एफ एक्स आती है, तब तो ये जो फंक्शन कहलाएगा ये इवन फंक्शन कहलाएगा। ये कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। यदि यस माइनस यस अगर रिप्लेस कर रहे हैं या इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है तो कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। अब इसमें क्या करें, x को माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही x को हम लोग माइनस x से रिप्लेस करके क्या होगा, माइनस x हो जाएगा और cos 2 पाई a और यहाँ पर क्या होगा माइनस x। तो cos, एक चीज आपको पता होगा, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक, चाहे आप इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि अब देखिए ये तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पर मान लिया अगर पॉजिटिव में आ जाता तो ये इवन फंक्शन होता, क्योंकि यहाँ चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब यहाँ पर एक्स को अगर हम लोग माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो कितना आ जाएगा, अब एक्स की जगह पर रखिए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, वही आएगी, मतलब एफ एक्स के इक्वल ही आया ना। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हो गया। अगर माइनस में आता तो ऑड फंक्शन होता। तो ये कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। तो ये तो खैर अलग से हो गया। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, डायरेक्ट जीरो रख देते हैं, बाकी उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसकी जगह पर ये पूरी क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ यस, इधर हो जाएगा वन अपॉन ए इंटीग्रेशन जीरो टू ए यस यस डी एक्स माइनस जीरो, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई है। यहाँ पर ये हो जाएगा वन अपॉन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टू को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी जीरो से ए, वन अपॉन टू ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जीरो। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा वन अपॉन टू ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी है ए बाई टू। तो जो पोजीशन होगा, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई, ए बाई टू, मतलब जो हमको वेव फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, ये ग्राउंड ग्राउंड स्टेट के लिए बात की गई, यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए और ये वाला जो बीच का हुआ है ये ए बाई टू, मतलब पार्टिकल की जो पोजिशन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आएगी वो कहां पर होगी, यहां पर a by 2 पर। तो ये तो रही इसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हम निकालेंगे हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी h की। तो उसके लिए भी वेव फंक्शन जो हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, psi equal to under root 2 by a sin pi x upon a, ये रहा वेव फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी h की। तो एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, यहाँ हो जाएगा ब्रस आई यहाँ मॉड साई एच विकेट साई या इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए अंडर टू अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू यहाँ एच। अब देखिए एच बराबर क्या रखेंगे, एच बराबर क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, यही होता है एच बराबर। हैमिल्टोनियन एच बराबर कितना आता है,
माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। यहाँ पर वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल बॉक्स की, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वी जो होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर हम लोग वी की जगह मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, जीरो। तो हमको एच केवल इतना ही लेकर चलना है, क्योंकि V की जो वैल्यू होगी वो जीरो है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज जगह पर क्या रखते हैं, माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वेव फंक्शन दिया गया है इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो टू ए, और यहां पर हम लोग चाहे इसको जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर ले लेते हैं। इसको यहां पर जैसे हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम और अंडर टू बाई ए, यहां पर भी अंडर टू बाई ए है, इसको बाहर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन ए मिल जाएगा। और तो बाकी ऐसे रह जाएगा साइन, इधर जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा इसको कर दीजिए डेल अपॉन डेल एक्स। और अब इसको क्या करें, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, चाहे एक बार लिख लेते हैं डेल अपॉन डेल एक्स साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, माइनस इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन ए एम, इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, इधर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स। अब साइन पाई एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस कॉस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन ए, कॉस पाई एक्स अपॉन ए, और पाई अपॉन ए बाहर आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ पाई अपॉन ए। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन इंटू पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू यम, इधर जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ये जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ए। अब इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन होने की वजह से इसको हम लोग प्लस कर दे रहे हैं, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटू साइन पाई एक्स अपॉन ए, और फिर पाई बाई ए बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इसको इधर रख देते हैं पाई अपॉन ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या मिला, सॉरी एच क्रॉस स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू यम, इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब इसको फिर से कॉस टू थीटा वाले फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए क्यूब यम, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए वन माइनस कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए, और पूरे के नीचे कितना हो जाएगा टू, तो यहाँ पर टू ना लिख के मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग बाय बाय से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h इक्वल टू हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब m, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a 1 इंटू डी एक्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 एम ए क्यूब, इंटीग्रेशन 0 टू a, इधर हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी पूरी 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि cos 2 पाई x अपॉन a का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन में होगा, ये हो जाएगा साइन का मतलब साइन 2 पाई x अपॉन a हो जाएगा और a अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप जब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर a हो जाएगा तो साइन 2 पाई होगा, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होगी, और जब लोअर लिमिट रखेंगे 0 साइन 0 हो जाएगा तो टोटल ये जो वैल्यू हो जाएगी ये पूरी पूरी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो चाहे आप इसको कर भी सकते हैं तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट अब 0 पुट कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब एम, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल एक्स हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से a, इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब एम, अब अपर लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा माइनस 0, ये ऐसे रहने दीजिए, तो क्या होगा इसको यहाँ पर लिख देते हैं एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर, एक ए से यहाँ पर एक ए कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2 एम ए स्क्वायर। तो हमको फाइनल वैल्यू कितनी मिली एच की, एच की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी मिली एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। और यह जो वैल्यू है यही ये जो वैल्यू है यह इक्वल टू है ई के, जो अगर ई जो हम लोग एनर्जी आइगन वैल्यू जब फाइंड आउट कर रहे थे वहां पर ई बराबर क्या था, ई बराबर होता है एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 एम एन स्क्वायर, या जो भी बॉक्स की जो लेंथ दी गई है, क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, ये हमको दिया गया है, ये फॉर्मूला था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात चली तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखेंगे 1, तो e बराबर कितना हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 m a स्क्वायर, यही वैल्यू ये दोनों क्या है इक्वल है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h कितना है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 m a स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।